this year we decided to do what we call the idea of India. And that is because for two reasons. One is, I think sporting memorabilia, after two auctions, we were exhausting the market. And two, in this country, if you look at the greatest geniuses of this country, one of whom is sitting in our midst, you realize that when we get it right, there's nothing to beat India. So the message we want to send is, you can be a genius and you can be incredibly world famous. You don't have to be exclusivist, you don't have to be narrow, you just have to keep your arms spread open and constantly affirm that idea of India that our civics books taught us, that India should be an inclusive, secular, democratic republic. And they uphold this idea. So that it would mean something to somebody who might want it. And they said, not only we will sign it, this is an incredible cause, and please tell Rahul Bose that if he needs us in any way for any help with this, that we will be available to, you know, participate. So that I'm conveying now in front of you all. And thank you, really, for making us a part of this, because this is something so special that it makes my life, my music, my connection to India, and my hope for the betterment of India valid. सबसे genius जो artists और talents हैं सारे पेशे पे profession से, तो इनको मिलने, फिर पूछने, फिर उसके बाद कुछ आइटम्स निकालने में बहुत बहुत समय लगेगा. और मैंने सोचा कि ये लोग तो कभी इंडिया में तो रहते भी नहीं हैं. कहीं शूटिंग हो रहा है, कहीं रिसाइटल हो रहा है, कहीं पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है. लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, एक बार तो मैं कोशिश करूँ. तो पहले मैं गया था 9.5 महीने पहले मेरे अपने दोस्त को, अमिताभ घोष. उन्होंने कहा मैं क्या दूँ. तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं सभी के पास ये पूछ के आ जाऊँ कि आप कुछ देंगे, तो वो कहेंगे हाँ. जाहिर है वो हाँ कहेंगे, लेकिन क्या देंगे ये भी मुझे सोचना पड़ेगा. तो फिर 2 हफ्तों के लिए मैंने सोचा, रघु राय से क्या पूछूँ, आर के लक्ष्मण से क्या पूछूँ, जाकिर हुसैन से क्या पूछूँ, आमिर खान से क्या पूछूँ. जब लगभग मुझे लगा कि ये चॉइसेस मैं उनको दूंगा, फिर मामला काफ़ी जल्दी, बात जल्दी बन गई. क्योंकि अच्छा, आपको ये चाहिए, तो मैंने कहा जामिर, गिव मी समथिंग फ्रॉम लगान. ही सेड ओके फ्रॉम लगान. आई सेड यू हैव अ स्क्रिप्ट. ही सेड नो, स्क्रिप्ट तो नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ. फिर उसने कहा कि मैं बंडी दूंगा लगान से. तो जब शबाना जी ने पूछा, तो मैंने कहा कि शबाना, आई वांट नेशनल अवार्ड ट्रॉफी. इससे कोई मतलब नहीं बनता है कोई ऑक्शन के लिए कोई खरीदे, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ है जिससे आपके पूरे करियर, पूरा करियर आपका चेंज हो गया. तो उसने कहा हाँ, एक ये गोल्ड मेडल है. तो वैसे अगर जब मैं सोचने लगा और मैं सुझाव देने लगा, तो काफ़ी आसान हो गया. लेकिन ये जो 16 हस्तियाँ हैं, सो जेनरस, सो कम्पैशनेट, किसी ने ना नहीं कहा. और सभी ये सोच रहे कि अच्छा, अगर अमर्त्य बाबू ने ये दिया है, तो मुझे क्या देना है, मुझे भी काफ़ी अच्छी चीज़ देनी चाहिए. सो आई थिंक इट वॉज फैंटास्टिक उनका जो रिस्पॉन्स था. द गवर्नमेंट्स अटेंशन दैट दिस नीड्स टू बी डन, एंड यू डोंट जस्ट ब्रिंग इट टू द अटेंशन, से ये होना चाहिए, हमें करके दिखाना है. वी हैव टू डू इट टू शो हाउ इट कैन बी डन. एंड समवन लाइक राहुल भाई, he has taken it upon himself to do this. उन्होंने सोच लिया है और ठान लिया है कि ये करना है, और ये चाहे कितना भी कठिन काम हो, however difficult it is important कि राहुल भाई जैसा आदमी अगर उसमें है, तो वो ज़रूर होगा, क्योंकि वो passionately उसमें involved है, वो emotionally उसमें involved है, वो सचमुच इस काम पर believe करते हैं. तो मुझे लगता है कि ये काम होना बहुत ज़रूरी था, और इसमें हम जैसे, मेरे और 15 और दूसरे कलाकारों ने, आर्टिस्टों ने अपने अपने आर्ट जो दिए हैं और अपनी अपनी चीज़ें पेश करी हैं, ये एक छोटी सी बात है.